नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो के एपिसोड में। दोस्तों दाद खाज खुजली एक ऐसी समस्या है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से फैलती है। दोस्तों ये सब फैलने का कारण होता है संक्रमित व्यक्ति के कपड़े और उसके साथ रहने से। जी हाँ, अगर आप भी दाद खाज खुजली दिनाए इत्यादि जैसी गंभीर समस्या से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैंने जो भी नुस्खा बताया है उसका अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप अपनी दाद खाज खुजली दिनाए जैसी गंभीर समस्या से बहुत ही आसानी से मात्र एक से दो बार के इस्तेमाल में छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करने हैं। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक क्लीन बाउल, और इस क्लीन बाउल में हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। जी हाँ, हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इरिटेटिंग, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि दाद खाज खुजली जैसी समस्या को बहुत ही आसानी से कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ जड़ से खत्म भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मात्र आधी चम्मच की मात्रा में ले लेते हैं इस हल्दी पाउडर को। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों कपूर का तेल। जी हाँ, कपूर का तेल बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इस कपूर की तेल की मदद से आप अपने फोड़े, फुंसी, कील मुहान से और चर्मरोग यानी कि दाद खाज खुजली जैसी गंभीर समस्याओं से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं मात्र एक चम्मच की मात्रा में इस कपूर के तेल को। दोस्तों यहाँ पर आप इस तेल के जगह पर दो कपूर के टिकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक चम्मच की मात्रा में इस कपूर के तेल को। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों नींबू। जी हाँ, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और साथ ही साथ ये आपकी दाद खाज खुजली के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये खत्म करने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग एक से डेढ़ चम्मच की मात्रा में इस नींबू के जूस को इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद से हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों ये पाउडर। जी हाँ, ये पाउडर है इस नीम के पत्ते का। जी हाँ, इस नीम के पत्ते में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप नीम के पत्ते को पानी में उबाल कर और उस पानी से अगर आप अपने फोड़े, फुंसी इत्यादि या मुंह के ऊपर कील मुहांसे होते हैं अगर उन्हें धोते हैं तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम नीम के पत्ते को पहले सुखा लेंगे और सुखाने के बाद से इसे हम पीस कर पाउडर बना लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे सुखा कर और इसका पाउडर बनाकर तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसके महीन पाउडर के में से मात्र आधी चम्मच की मात्रा में इस नीम के पत्ते का पाउडर। दोस्तों अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों नुस्खा बिल्कुल ज़बरदस्त होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहले आपको जहाँ पर भी दाद खाज खुजली जैसी समस्या है उस जगह को गुनगुने पानी की मदद से धो लें और धोने के बाद से आप इस पेस्ट को उसके ऊपर लगाएं। दोस्तों अगर आप दिन में 3 से 4 बार मात्र 2 से 3 दिन तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी दाद खाज खुजली दिनाए जैसी भयंकर और गंभीर समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।